हत्याकांड का आरोपी संजय रॉय पुलिस की गिरफ्त में है। सीबीआई संजय रॉय से अब पूछताछ कर रही है। इस बीच संजय रॉय के परिवार ने एक बड़ा बयान दिया। संजय रॉय की मां ने बताया है कि संजय को शराब की लत थी। पत्नी की मौत के बाद वो ज्यादा शराब पीने लगा था। संजय की मां ने कहा कि लीडी डॉक्टर के साथ जो हुआ गलत हुआ, आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये जो घटना हुई है उसके उसके पहले आप कब मिले थे उससे? वो तो घर ही में रहते थे, कहूँ तो जाता था नहीं, ड्यूटी होता रहा, छुट्टी होता रहा घर में। जैसे उनका पापा कहता रही उनका एकदम चाल सुमा, कोई अच्छा नहीं है, जो कोई खराब रास्ता में हम देखा नहीं। शराब की लत कब से लगी थी उसको? शराब हम जब देखा बहुत डेट हो गया ना, तब मतलब बाबू काहे पी रहा, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, उनका तो खुशी है लूट गया, बोलेंगे कैसे। मतलब बाबू तू सब मत पियो, तुम चाय पी लो, आंटी पी लेने से तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा। बस तो फिर छोड़ के चाऊ पीता रहा, उसका बाद से कहाँ हो गया हमको पता नहीं। क्राइम आपको पता है ना, उसने एक लड़की के साथ रेप किया, उसका मर्डर किया। एक लड़की जो एक बड़ी डॉक्टर बनती देश की, उनके माता पिता पे क्या गुजरी होगी? आप भी एक माँ हैं, आप संजय के लिए पूरा देश फांसी की मांग कर रहा है। ये तो हम बोल नहीं सक रहे बाबू, क्या होना चाहिए ऐसे लड़के के साथ, ऐसे आरोपी के साथ? अब उनका पर अड़ब लगा है तो हम क्या बोलेंगे, पूरा एकदम एक है, हम कैसे बोलेंगे।